सदस्य होंगे। इस्तकबाल है एक बार फिर से सैयद समीना रेसिपी चैनल में आपका। तो आज आपके लिए मेरा ये है बिरयानी की रेसिपी। तो बिरयानी के लिए हमें गोश्त चाहिए, तो मैंने 1/4 किलो गोश्त लिया हूँ, 1/4 किलो गोश्त, और साथ में नमक, हल्दी, पपैया के पेस्ट, जल्दी गोश्त गले इसके लिए। ये एक ट्रिक है, गोश्त जल्दी नहीं करता है ना, इसके लिए पपैया का पेस्ट अगर थोड़ा सा आप डाल देंगे गोश्त जल्दी गलेगा, और अदरक लहसुन। तो पहले हम गोश्त को उबालेंगे, इसके लिए इतना सामान हम गोश्त में डालेंगे। तो गोश्त अच्छे साफ तरीके से मैंने धुल दी हूँ गाइस, देख सकते हैं आप। तो गाइस ये बीफ बिरयानी बन रही है, ठीक है। तो ये 1/4 किलो बीफ का गोश्त है, इसको मैंने अच्छे से धो दिया है। तो गाइस मेरे रेसिपी चैनल पे आप ज़्यादा से ज़्यादा विज़िट करें, और मेरी रूटीन देखना चाहते हो तो मेरी समीना खान करके व्लॉगिंग है, वो भी आप देख सकते हैं। और ये मेरा अभी नया बनाया है सैयद समीना रेसिपी चैनल है मेरा, इस पर आपको रेसिपी मिलेगी, जो भी रेसिपी आपको चाहिए उस पर रेसिपी मिलेगी, ठीक है। तो हम इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 चम्मच मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगा। इसी के साथ मैं इतना पपैया डाल दूँगी, इतना पपैया काफ़ी है इसको गोश्त को गलाने के लिए। 1 चम्मच मैं डालूंगी हल्दी पाउडर, इन सब चीज़ को हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। गाइस मैं गोश्त गलाते टाइम बिल्कुल भी पानी नहीं डालती, बिल्कुल नहीं। पहले मैं एक सीटी जो होती है, विसल जो होती है, सीटी फांस पे ले लेती हूँ, फिर मैं गोश्त को जो है स्लो करके रख देती हूँ। इसी में जो है मेरा गोश्त इतना अच्छा गलेगा, आप मुझे बता दूँ। बहुत से लोग ना पानी डाल देते हैं, फिर वो पानी क्या है, फिर गोश्त का पानी भी छूटता है, उसके बाद क्या होता है, गोश्त का पानी छूटने के बाद पानी जो ऊपर आ जाता है, आप भी पानी डाल देते, गोश्त भी पानी छूटता है, तो पानी जो है विसल से बाहर आ जाता है, सीटी उसके में पानी बाहर आ जाता है, कुकर भी खराब हो जाता है। लेकिन हमारे हम लोग के घर में जितने भी अगर गोश्त उबालेंगे तो ऐसा नहीं, पानी बिल्कुल भी नहीं डालती हूँ। तो गाइस अब हम इसको अच्छे से बंद कर देंगे कुकर को हमारे। तो गाइस अब हम चढ़ा देंगे, अभी ये जो है एक फ्लेम जो है हम फास्ट पे लेंगे, गैस को फास्ट पे एक विसल लेंगे, एक विसल लेंगे, गैस फास्ट है, देखना फास्ट गैस पे हम एक विसल लेंगे। एक विसल आने के बाद फिर गैस को हम स्लो करेंगे, स्लो पे ही ये अंदर अंदर हमने पपैया भी डाला है और भाप अंदर रहेगी, जल्दी गोश्त गलेगा, आप लोगों को बताऊंगी। अगर आप लोगों को नहीं समझ में, एक बार करके देखना कितने जल्दी गोश्त गलता है। मसाले बोलेंगे ना, तो इधर चालू कर दूँ। तो गाइस जैसे कि मैंने आप लोगों को सुबह बताया था गोश्त उबलते हुए, आज बिरयानी की रेसिपी मैं आज शेयर कर रही हूँ। तो बिरयानी के मसाले बताती हूँ। तो ये है 1/2 किलो प्याज, बिरिस्ता बना के हमने इसको दरदरा पीस लिया है, पुदीना जाएगा, कोथमीर जाएगी, अदरक लहसुन जाएगा, हरी मिर्ची का जो है मैंने पेस्ट किया है, पेस्ट इसलिए कर दिया है दरदरा क्योंकि अक्खे डालते हैं तो वो तेज़ ज़रा छोड़ता नहीं है और हमें तीखा थोड़ा लगता है ना, तो इसलिए दरदरा मैंने पीस लिया है। ज़ाफ़रान इसलिए कलर हम नहीं डालते और केवड़ा भी नहीं डालते, और इसका जो है ना खुशबू और कलर आता है नेचुरल, इसलिए ये ज़ाफ़रान। और दही लगेगा, 4 से 5 टमाटर, 2 नींबू और 1/4 किलो चावल बासमती वाले मैंने भिगा के रखे हैं, साथ में आलू भी जाएंगे तो जो हमने छील के पानी में डाल के रखे ताकि काले ना हो। तो गाइस यहाँ मैंने बिरयानी का पानी जो है चावल उबलने का रख दिए, उसमें हम डालेंगे खड़े मसाले। खड़े मसाले में हमने लिया है थोड़ा सा जीरा, काली मिरी, लौंग, और 2 दालचीनी, 2 बड़ी इलायची और 2-4 हरी इलायची, ये हम डालेंगे अब इसमें। ये है हमारा जो पानी चावल उबलेगा ना उसके लिए पानी गर्म पे रखे हैं। तो देख सकते हैं आप, हम लोग चावल पानी बॉईल हो गया है तो चावल डाल रहे हैं पूरे अच्छे से। तो गाइस हमने चावल पूरे डाल दिए हैं, अब इसी के साथ हम डालेंगे इसमें 5 चम्मच हमारे नमक। नमक 5 चम्मच इसलिए डालेंगे क्योंकि ये चावल अभी हम निथारेंगे, इसके लिए 5 चम्मच इसमें नमक जाएगा। तो गाइस यहाँ पे जो है मैंने अपनी कढ़ाई रख चुकी हूँ, तेल गरम पे रखी हूँ आलू फ्राई करने के लिए। अब हम आलू फ्राई करेंगे, तेल गरम हो जाएगा तो फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो गाइस यहाँ पे मेरा तेल गरम हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे आलू फ्राई होने के लिए। बिस्मिल्लाह। तो गाइस आलू मेरे अच्छे तरह से फ्राई हो गए हैं, अब हम इसमें
निकाल लेंगे सब आलू को। तो गाइस अभी हमने आलू तले ना, तो इसी तेल में हम बिरयानी का बघार लगा देंगे। तो गाइस देखना यहाँ पे हमारे चावल भी हो चुके, अब हम चावल को निथारेंगे। तो गाइस हमने जो है चावल अपने निथार लिए हैं, तो ये तो सब करते हैं, इसके लिए मैंने इसका वीडियो नहीं शूट करी और डायरेक्ट आप लोगों को बता रही हूँ। चावल निथार दिए, साइड में रख दिए, अभी हम यहाँ पे अपने मसाले की सब वो तैयारी करेंगे। तो गाइस पहले हमारे जाएंगे खड़े मसाले, ज़ीरा और बादियान फूल और दालचीनी और लौंग, दो इसलिए काली मिर्च स्किप कर रही हूँ कि उसमें डाली हुई हूँ काली मिर्च। अब जाएगा एक प्याज गाइस, क्योंकि ब्रिस्ता हमने बना के रखा है इसलिए सिर्फ एक ही प्याज डालेंगे हम। अब इसको हम लाल करेंगे। तो गाइस प्याज लाल हो चुकी है हमारी जितनी हमें चाहिए था। अब इसमें दो बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा, बड़े चम्मच भर के डालिए, ठीक है। पूछा तो ज़्यादा चाहिए बिरयानी, वो तीस टेबल स्पून नहीं है, तीस स्पून। तो गाइस अभी इसको हम भूनेंगे तब तक अदरक लहसुन की बास ना चले जाए, और साथ ही साथ हम डालेंगे जो हमने मिर्ची को दरदरा पीस लिया था हरी वाली, वो साथ ही साथ में डालेंगे ताकि इसका सब कच्चापन साथ में निकल जाए। तो लगता ना मेरे को। तो गाइस अभी जाएंगे हमारे पाउडर मसाले, कश्मीरी लाल मिर्ची एक बड़ा चम्मच, तीखी लाल मिर्ची एक चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चम्मच, अच्छे से मिक्स करेंगे इसको, और जाएंगे टमाटर हमारे कटे हुए, अब हम इसे ढक के इसकी भुनाई करेंगे। गाइस अब जाएगी 100 ग्राम दही इसमें, दही डाल के अच्छे से इसे मिक्स करेंगे हम। गाइज अब जाएगा इसमें ब्रिस्ता हमारा, गाइज इसमें जाएगा अभी एक नींबू का रस, नींबू का रस डालने के बाद भी इसको अच्छे से मिक्स कर देना। डालेंगे इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम गोश्त अपना, बिस्मिल्लाह माशाल्लाह। अब हम सारा गोश्त इसमें डाल दिए अपना, अब ये गोश्त डाल के हम पूरा मिक्स करेंगे इसे अच्छे से। चलो और गाइस अब जाएगा इसमें आलू, इसको भी अच्छे से हम मिक्स करेंगे। तो गाइस लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे चैनल को, और ये जो पीछे से आवाज़ आती है इसको अवॉइड कीजिए। और अब हम डालेंगे नमक, हमने चावल में नमक डाला था 5 चम्मच, अब इसमें हम डालेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से।
आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालना, मैं तो अपने टेस्ट के हिसाब से डाल रही हूँ, क्योंकि गोश्त उबलते टाइम भी मैंने जो है नमक डाला हुआ है। खुशबू के लिए पिसा हुआ होममेड गरम मसाला छोटा सा चम्मच, पुदीना और कोथमीर, पुदीना डालू थोड़ी सी बचा, गार्निश भी करेंगे ना हम, गार्निश के लिए थोड़ी सी कोथमीर हमने रख दिया है साइड में। तो ये है हमारा बिरयानी का मसाला। गाइस कैसा लगा आपको और मेरे तरीके से बिरयानी जो बनी है वो कैसी लगी है आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताना, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो गाइस अभी लगाने जा रहे हैं बिरयानी की लेयर, तो पहले जाएंगे थोड़े चावल नीचे बिछाएंगे पहले, क्या ही सभी जा रही है इसमें लहर लगने, लेयर मेरे को बोल लेना था, कपड़ा परत लगाने जा रहे लहर, चुप रे, चालू करिए, हाँ लहर लहर। तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, माशाल्लाह तबारकल्लाह, ज़रूर लिखे कमेंट्स में और रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, जितनी आपकी आईडी है उतने पे शेयर कीजिए, दोस्तों में भी शेयर कीजिए गाइस रेसिपी अच्छी लगी तो आपको, और कमेंट्स में भी बताना आप ऐसी तरीके से बिरयानी बनाते हैं जिस तरह हम बना रहे हैं। अभी हमने गोश्त की लहर लगा दी, अभी उसके ऊपर हम डालेंगे चावल की लहर, तीसरी लहर ये गाइस, अगर बोलने में थोड़ा सा वो हो रहा है तो मुझे इतनी इंग्लिश आती नहीं है तो उसके लिए सॉरी माजरत चाहती हूँ, परत समझ लो आप लोग, ये आसान तरीका है। गाइस अभी ऊपर से हम डालेंगे इसमें तेल, गाइस अभी गाइस अभी जाएगा इसमें जाफरान, देखना गाइस जाफरान का कलर देखो माशाल्लाह तबारकअल्लाह। तो गाइस जो हमने तेल डाला है ना वो तेल इसलिए डाला है कि चावल जो है हमारे रुके ना ले लगे, इसलिए ऊपर से तेल डाला है। तो गाइस अभी जाएगा हमारे ऊपर ब्रिस्ता, माशाल्लाह तबारकअल्लाह लुक देखिए। तो गाइस ना बहुत से लोग घी डालते हैं और घी डालने से तो चावल ना वैसे हो जाते हैं, चिकना चिकना ज़्यादा लगता है, इसके लिए हम लोग ने तेल डाले हैं, ये हमारी टिप है आप लोगों के लिए। अब इसके बाद फाइनल हमारा जाएगा इसमें कोथमीर, माशाल्लाह माशाल्लाह, देखना गाइस क्या ज़बरदस्त लुक आया है, देखना गाइस, देखना आप लोग, देखना दूर से भी देखना, ये देखना ऊपर से भी देखना, आप क्या ज़बरदस्त लग रही है मेरी बिरयानी का, देखना अंदर पेपर है, माशाल्लाह माशाल्लाह तबारकल्लाह। ये देखिए मेरी बिरयानी बनके तैयार हो गई है, इसको हमने माशाल्लाह बिरयानी दम हो चुकी है, देखिए कितने अच्छे से दम हो चुकी है, उसमें से धुआं भी कितना अच्छे से निकल रहा है, स्टीम हो गई है, चावल भी देखो, सर्व करके बता, अभी मैं इसको डिश आउट करके सर्व करके आपको बताती हूँ। तो गाइस देखिए मेरी बिरयानी का लुक कितना अच्छा आ गया, दम हो चुकी है, दाना दाना कितना फल रहा है, देखिए मैंने किस तरीके से बनाई है। अब कर रहे हैं हम इसको डिश आउट, तो आप लोगों को हम लोग बता रहे हैं, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, माशाल्लाह देखना, माशाल्लाह गाइस